महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम। पुणे और मुंबई में गजानन के भव्य पंडालों की रौनक, हजारों श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। फिल्म स्टार अजय देवगन ने भी लगाई हाजिरी। की भक्ति में डूबे महाराष्ट्र के सियासी दिग्गज, मुख्यमंत्री ने की आरती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की खास पूजा अर्चना। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने भी घर में किया गणपति की स्थापना। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के घर गणपति वंदना। केशव जी नायक चौल में गणेश चतुर्थी की धूम। 125 साल पहले बाल गंगाधर ने यहीं से शुरू किया था यह उत्सव। नितिन गडकरी का बयान, केंद्र में बेहतर काम करने के लिए फिट मुख्यमंत्री फडणवीस पर फिलहाल महाराष्ट्र को उनकी ज्यादा जरूरत। अंतिम फैसला पीएम के पास। फडणवीस को केंद्र भेजे जाने की अटकलें तेज, हालांकि मुख्यमंत्री ने अटकलों को बताया गलत। भगवान गणेश के स्वागत में डूबा बॉलीवुड पर इतनी मान्यता के साथ संजय दत्त ने आरती की। पुणे के दगू शेठ के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई के माहिम में हादसे का शिकार लोकल, पटरी पर से उतरी 4 बोगियां, 6 घायल। हार्बर लाइन पर हुआ हादसा, वडाला अंधेरी सेक्शन की रेल ट्रैफिक पर हुआ असर। मुंबई में पत्नी की चाकू मारकर पति ने हत्या की, पूर्व हॉकी खिलाड़ी था, पति संपत्ति को लेकर था विवाद। वारदात को झगड़े का रूप देने के लिए पत्नी ने खुद भी कर लिया घायल, अस्पताल से छुट्टी मिलते ही होगी गिरफ्तारी। आरबीआई ने जारी किए 200 के नोट, 50 रुपए के नए नोट भी बाजार में उतारे। नए नोटों को लेकर लोगों में उत्साह, आकर्षक रंगों में है दोनों करेंसी। इंफोसिस के कमान संभालते नील कड़ी ने कहा, जीतेंगे ग्राहकों का भरोसा, नारायण मूर्ति के कहने पर बने सीईओ। एचपी ज्वाइन करेंगे इंफोसिस के पूर्व सीईओ विशाल सिंह, संभाल सकते हैं सीटीओ की कुर्सी। हुआई ने आइडिया को 3 करोड़ चुकाने का निर्देश दिया, ग्राहकों से ज्यादा रकम वसूलने का है आरोप। टॉप 100 टेक अमीरों की लिस्ट में 15वें नंबर पर अजीम प्रेमजी, बिल गेट्स पहले नंबर पर। 150 रुपए की गिरावट के साथ 29,700 रुपए तोला हुआ सोने का भाव, चांदी 40,200 रुपए प्रति किलो। इस बार सलमान के नहीं, उनकी बहन अर्पिता के घर रखे गए हैं गणपति, दर्शन करने पहुंचा पूरा खान परिवार। संजय दत्त ने की गणपति वंदना, लॉन्च किया गया उनकी फिल्म भूमि का ट्रेलर। ऋतिक गोविंदा ने बप्पा की आरती की, कल होगा ऋतु के गणपति का विसर्जन। अपने एक ट्वीट को लेकर ट्रोल किए गए अभिनेता सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने लिखा था, हरियाणा के लोग सेफ रहें और उम्मीद है कि वो उनकी फिल्म जेंटलमैन जल्द देख सकेंगे। बाद में सिद्धार्थ ने दी सफाई कि उन्होंने वो ट्वीट सुबह हिंसा से पहले किया था, लोगों के साथ उनकी संवेदनाएं।